अब हम लैब 3 परफॉर्म करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है टेस्टिंग एलडीआर सेंसर। एलडीआर सेंसर किस तरह से काम करता है, वो कैसे काम करता है, तो आज हम ये जानेंगे। तो एलडीआर का फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंड रेजिस्टर। एलडीआर स्टैंड फॉर लाइट डिपेंड रेजिस्टर। अगर हमारे पास लाइट होगी, मीन्स उसको रोशनी जो है, एलडीआर हमारा जो होगा ना रेजिस्टर, उसको अगर जो ब्राइटनेस ज्यादा मिलेगी तो वो हमें करंट जो है वो उतना ही ज्यादा देगा। अगर ब्राइटनेस उसको हम नहीं देंगे, कहने का मतलब अगर एलडीआर सेंसर जो हमारा रजिस्टर होगा उस पर हम हाथ रखेंगे ना, तो वो हमें करंट देगा, वो करंट बिल्कुल कम देगा। अब एलडीआर कैसे काम करता है, देखिए, अभी हमारे पास जो है वो रजिस्टर पड़ा है, बैटरी पड़ा है, ठीक है। मैं यहाँ पर एलडीआर रजिस्टर ले आना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एल डी आर रजिस्टर सर्च करूंगा, एल डी आर, ठीक है। देखिए ना, यहाँ पर मेरे पास दो आ गए। अब एक के ऊपर जो है वो टॉर्च लगी हुई है, तो मैं ये टॉर्च ले लेता हूँ, ठीक है। कंप्यूटर में तो मैं इसके ऊपर हाथ नहीं दे सकता। जब हमने लैब में परफॉर्म किया था ना, तो वहां पर हमने क्या किया था, इसके ऊपर हाथ दिया था, ठीक है, फिर हाथ हटाया था, तो इसकी जो करंट था उसमें चेंजिंग आ रही थी। लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर में मैं इसके ऊपर हाथ तो नहीं दे सकता, मतलब रोशनी या उस रोशनी को कम तो नहीं कर सकता, तो इसलिए यहाँ पर टॉर्च एलईडी एक्टिव, ठीक है, लाइट के साथ में इसको ओके कर देता हूँ। अब मेरे पास आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, एलडीआर इसको मैं कनेक्ट करूंगा। कनेक्ट कैसे करूंगा, देखिए, सबसे पहले मैं बैटरी उठा लेता हूँ। बैटरी को मैंने यहाँ पर प्लेस किया, ठीक है। बैटरी का अगर आप वैल्यू चेंज करना चाहें, इट मीन्स अगर आप वोल्टेज चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 5 वोल्ट रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर 5 रखकर ओके करूंगा। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर टॉर्च जो रजिस्टर है उसको मैं यहाँ पर प्लेस करूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लेस किया, मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ, तो मैं इस पे क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, ठीक है। इसको मैं क्या कर दूंगा, रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, सही है। अब इसका जो फर्स्ट टर्मिनल है, मैंने इसको क्या किया, इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, इससे कनेक्ट कर दिया, सही है। अब मैं आगे एक रेजिस्टर लगाना चाहता हूँ, रेजिस्टर पे क्लिक करूंगा, रेजिस्टर मैंने लगा दिया। रेजिस्टर में लगाना चाहता हूँ 1 किलो ओम का, सॉरी 100 किलो ओम का रेजिस्टर मैंने लगाया और ओके कर दिया। यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इसको सर्किट को मैं कंप्लीट जो है वो बना देता हूँ, बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर इसको कंप्लीट कनेक्ट कर दिया है, सही है। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लाइट एलईडी, ठीक है, टॉर्च है ये। यहाँ पर मैं अगर नेगेटिव करूंगा तो इसकी रोशनी कम हो जाएगी, इसको मैं पॉजिटिव करूंगा तो इसकी रोशनी जो है वो, देखिए, आप देख सकते हैं उसके करीब जा रहा है, और वो जो एलईडी आ रहा है ना वो बिल्कुल लाइट हो रही है, ऐसे समझो कि जल रही है वो। अगर मैं नेगेटिव करूंगा ना, तो ये बिल्कुल देखिए वो पीछे आ रही है, उसकी ब्राइटनेस जाहिर है, हम टॉर्च को पीछे करेंगे तो जो हमारा एलईडी आ रहा है उस पर ब्राइटनेस बिल्कुल ही नहीं जाएगी। अगर उसको बिल्कुल हम पीछे करेंगे तो वो क्या करेगा, बिल्कुल ही उसके पास ब्राइटनेस नहीं जाएगी। अगर मैं इसको पॉजिटिव करूंगा तो पॉजिटिव करता जा रहा हूँ, देखिए टॉर्च, अगर हम जाहिर किसी चीज के तरफ हम टॉर्च को करेंगे, उसको करीब लेते जाएंगे, तो उस पर रोशनी का असर जो है वो ज्यादा पड़ता जाएगा। आप देख सकते हैं, देखिए अभी जो है ना एलडीआर फुल जो उस पर रोशनी पड़ रही है। अब मैं करंट चेक करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर लेता हूँ, अमीटर लगा लेता हूँ, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अमीटर लगाने के लिए हमें सर्किट को ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने के सबसे पहले सर्किट को हम क्या कर लेंगे, स्टॉप कर लेंगे, ठीक है। स्टॉप करने के बाद मैं क्या करूंगा, ठीक है, यहाँ पर मैं सिलेक्ट मोड उठाऊंगा। सिलेक्ट मोड उठाने के बाद सर्किट को मैं यहाँ पर वायर पर जैसे क्लिक करूंगा, हमारी वायर जो है वो रेड हो चुकी है, इट मीन्स इस वायर को हम मूव भी कर सकते हैं, इस वायर को हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मूव तो नहीं करूंगा, मुझे ब्रेक करना है, सर्किट को तोड़ना है, ठीक है, मैं इसको खत्म कर देता हूँ, सही है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अमीटर लगाता हूँ। तो अमीटर लगाने के लिए इस मेन्यू के अंदर जो ये आपके पास लेफ्ट साइड मेन्यू नजर आ रही है, सिलेक्ट मोड कंपोनेंट, ठीक है, जो भी आपके पास नजर आ रहे हैं कंपोनेंट, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट वर्क के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं क्या उठाता हूँ, ऑसिलोस्कोप्स के अंदर डीसी अमीटर उठाता हूँ, ठीक है। डीसी अमीटर उठाया मैंने, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, डीसी अमीटर को प्लेस कर दूंगा। मैंने आपको बताया कि अगर एक मरतबा जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये सारे स्क्रीन पर ऐसे घूमता रहेगा, देखिए अभी ये घूम रहा है सारे स्क्रीन पर, सही है। दूसरी मरतबा जब इसको हम क्लिक करेंगे तो ये एक जगह पर प्लेस हो जाएगा। इसको मुझे मूव करना है, मीन्स रोटेट करना है, थोड़ा राइट क्लिक करूंगा, रोटेट क्लॉकवाइज करूंगा। क्लॉकवाइज किया, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव के साथ। अब इस सर्किट को मैं जो है ना वो कंप्लीट कर देता हूँ, नेगेटिव नेगेटिव के साथ।
दूसरी बात याद रखना, ये वैल्यू अब मैं स्टार्ट करूंगा तो शायद आपको ना बताए, क्योंकि इसकी जो रेट है ना डिस्प्ले रेंज, वो मुझे चेंज करनी होगी। तो डिस्प्ले रेंज के अंदर यहाँ पर मैं माइक्रो एम्पीयर्स रख रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ओके कर रहा हूँ। अब मैं जैसे इसको प्ले करूंगा ना, तो देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर परफेक्ट नजर आए। एक मिनट, अभी आपको शायद क्लियर नजर आ रहा होगा आई होप। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, सर्किट को देखिए, मैंने जैसे ही सर्किट को स्टार्ट किया तो मेरे पास जो करंट आ रहा है अभी वो है 16.7। ठीक है, अभी देखिए मैं इसको करीब जैसे करता जा रहा हूँ, लाइट में उसको देता जा रहा हूँ, उसको ब्राइटनेस में जैसे ज्यादा देते जा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरी करंट में चेंजिंग आ रही है। मेरा करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अभी मैंने जैसे उसको फुल टॉर्च दी LDR सेंसर को, तो वो हमारे पास हमें करंट दे रहा है 49.8 एम्पीयर हमें करंट दे रहा है, माइक्रो एम्पीयर। ठीक है, करंट दे रहा है। अगर मैं जैसे इसको बे करूंगा ना, देखिए माइनस की सैंपल नीचे लिखी हुई है, इस पर जैसे आप क्लिक करते जाएंगे तो ये LDR आपके सेंसर है उससे जो टॉर्च है वो बिल्कुल बेक होती जाएगी। देखिए अभी बेक हो चुकी है, जैसे हम बेक करते जा रहे हैं तो हमारे करंट पे भी असर पड़ता जा रहा है, हमारा करंट भी जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। देखिए आप इसको बिल्कुल, हमने इसको जो है वो टॉर्च ऑफ कर दी है, तो अभी हमारे पास करंट कितना है, 4.55 माइक्रो एम्पीयर है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, ये था हमारा LDR। यार ये सीरीज के बाद कौन सा बना रहे हो अभी? जी मैंने ये सीरीज ही बनाया, आप पैरेलल भी चेक कर सकते हो। अच्छा, ये दूसरा सर्किट आप बना रहे हो? जी मैंने ये न्यू क्रिएट किया है। अच्छा यार, दरअसल मैं सीरीज पहला लिया था, उसके बाद बंद हो गया था, अभी ज्वाइन। कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। चलिए थैंक यू यार। अच्छा, बाकी जिसकी माइक ऑन है वो ऑफ कर लें, जिसको क्वेश्चन पूछना हो वही सिर्फ प्लीज माइक अपनी ऑन रखें। बीडी भाई, इसके अंदर सिर्फ ये करंट ही मालूम करना था इस सर्किट के अंदर, इस लैब के अंदर। देखें ना, यहाँ पर मैंने आपको करंट समझाया है, आप वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं, R1 के पास कितना वोल्टेज आ रहा है। ये सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट में मैंने आपको बताया था उसकी क्या खासियत होती है, पैरेलल की क्या खासियत होती है। आप जो है ना वो 2 से 3 रेजिस्टर लगाकर आप इसको पैरेलल भी बना सकते हैं एज योर विश। नहीं, इस लैब के अंदर सिर्फ यही करना था ना, मगर जी 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 करंट ही मालूम करना था बस। ठीक है, पार्ट 1 था ना इसका, वो ये था आपको जो है ना वो R1 रेजिस्टर नहीं लगाना था, आपको सिर्फ LDR लगाना था और उसके ऊपर हाथ देना था और करंट चेक करना था कितना आ रहा है। देखिए ना वो कैसे, मैं क्या कर देता हूँ, इस R1 को जो है ना वो मैं पहले सर्किट को मैं स्टॉप कर लूंगा, स्टॉप करने के बाद इसको मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, डिलीट मैंने किया, यहाँ पर इसका कनेक्शन मैं अगेन बना देता हूँ अमीटर के साथ। सही है, अब आप देख सकते हैं मैंने जैसे सर्किट को ओपन किया 5 वोल्ट पे तो हमें इतना करंट दे रहा है। ठीक है, जैसे मैं इसको है ना वो इसके पास टॉर्च लेकर जाऊंगा तो हमें ये ज्यादा करंट देता जाएगा। पार्ट 1 ये था, पार्ट 2 मैंने पहले आपको जो बताया रेजिस्टर के साथ वही था। जी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। हाँ बिड्डी भाई, जी ये जो सर्किट आपने बनाया है ये सीरीज में, जी तो अगर हम इसको पैरेलल करेंगे तो ये खड़ा हो जाएगा बस। हाँ हाँ, लेकिन अभी तो मैंने कोई रेजिस्टर लगाया ही नहीं है ना, अगर मैं 2 से 3 रेजिस्टर लगाऊंगा तो इससे पहले वाले हम लगाया वो सीरीज में था, वो सीरीज में ही था। किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। जी जी बीडी भाई, जी जी हमें LDR उठाना चाहिए था तो आपने टॉर्च उठाया, किस लिए थोड़ा काइंडली ये बता दें। हाँ ये असल ये हुई ना बात, देखिए ना हम जब ले में परफॉर्म कर रहे थे ना तब आपने क्या किया था, LDR के ऊपर आपने हाथ दिया था, हाथ देकर आप उसका करंट मालूम कर रहे थे, हाथ हटाकर करंट मालूम कर रहे थे। वो हाथ हम क्यों दे रहे थे, ताकि उस पर रोशनी कम पड़े, हाथ हटाते थे तो उस पर ब्राइटनेस ज्यादा पड़ती थी। जैसे हम LDR पर हाथ देते थे तो वहां पर क्या हो जाता, डार्कनेस हो जाती थी, मीन्स रोशनी कम होती थी और करंट कम आता था। लेकिन कंप्यूटर में मैं स्क्रीन पर हाथ कैसे दूं, ऐसे तो मैं ऊपर तो हाथ नहीं दे सकता ना इसके, ये ठीक है सॉफ्ट में है, तो मैंने क्या किया साथ में टॉर्च लगा दी ताकि उस पर ब्राइटनेस में दे सकूं और कम कर सकूं। सही सही, मेहरबानी, थैंक यू। किसी और को कोई भाई ये बता दो यार कि ये सर वाइवा लेंगे कैसे, सबसे सर्किट बनवाएंगे क्या? हाँ इतना तो मुझे भी पता है, फ्रॉम लैब 1 to 8 लैब तक, आज तक जितने भी आपके लैब्स हुई हैं पहली लैब से लेकर, उन लैब में से सर क्वेश्चन पूछ सकता है, लाजमी नहीं है कि आप सर्किट ही बनाएं। हाँ सर्किट भी बना सकते हैं आप,
आप क्या कर सकते हैं, सर आपसे क्वेश्चन भी कर सकता है कि क्या क्यों लगाया, कैसे लगाया, ठीक है। बाकी तो मुझे पता नहीं है सर क्या पूछेगा, क्योंकि सबसे अगर सर्किट बनवाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, आप मुझे कोई भी सर्किट बताओ, मैं आपको दो मिनट के अंदर बना के देता हूँ। अगर आपको प्रोटीज सही चलाना आता है, अगर आपको कंपोनेंट्स सारे मालूम है, तो मैं आपको बना दूंगा दो मिनट के अंदर। समझा रहा था तभी जो है ना, वो 40 मिनट की एक क्लास हो रही थी, अगर मुझे ऐसे बनाना होता समझाता ना तो ये मैं 5 मिनट में सारी चीजें कर लेता। मसला यही है कि हम यहाँ आती नहीं है प्रोटीज। अगर आपके पास देखे ना, सर ने ये कहा था कि अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं